हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरियल टीवी बाय विनीता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक्टर यश पंडित के करियर के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यश पंडित ने किन किन सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यश पंडित साल 1985 में बॉलीवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली में गंगा के बच्चे के कैरेक्टर में नजर आए। इसके बाद साल 1986 में बॉलीवुड फिल्म हाथों की लकीरें में एज ए चाइल्ड एक्टर नजर आए। साल 2000 में इन्होंने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। इसमें उन्होंने लक्ष्य वीरानी का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2000 में ही यश पंडित डांस रियलिटी शो त्योहार धमाका में नजर आए। फिर साल 2002 में इन्होंने बॉलीवुड फिल्म ये क्या हो रहा है में जॉनी का, साल 2004 में इन्होंने बॉलीवुड फिल्म रोक सको तो रोक लो में देव का और साल 2005 में बॉलीवुड फिल्म फालतू में फालतू का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2006 में इन्होंने सीरियल घर की लक्ष्मी बेटियां में सिद्धार्थ का कैरेक्टर प्ले किया। फिर साल 2007 में ये बॉलीवुड फिल्म मिस्टर हॉट मिस्टर कूल में प्रेम अमर त्रिपाठी के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2009 में इन्होंने सीरियल एक दिन अचानक में अमन मित्तल का कैरेक्टर प्ले किया और साल 2009 में ही सीरियल हम दोनों हैं अलग अलग में वरुण कोठारी का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2009 में ही ये सीरियल तेरे मेरे सपने में सरजू के कैरेक्टर में नजर आए। इसके बाद साल 2012 में इन्होंने सावधान इंडिया में अनुज का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2012 में ही यश पंडित स्प्लिट्सविला सीजन 8 में एज ए कंटेस्टेंट नजर आए। साल 2013 में इन्होंने सीरियल सावित्री एक प्रेम कहानी में सत्या चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया। फिर साल 2016 में इन्होंने बॉलीवुड फिल्म लव सुधा में विनायक सेन गुप्ता का कैरेक्टर प्ले किया। फिर साल 2016 में ये टीवी सीरीज अदालत में आरव शर्मा के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2016 में ही इन्होंने सीआईडी में करण और अमन का कैरेक्टर प्ले किया। फिर साल 2018 में यश पंडित ने बॉलीवुड फिल्म नन्ही सी कली बेटियां में काम किया। फिर साल 2019 में इन्होंने शॉर्ट फिल्म स्वीट लाई में काम किया। साल 2019 में ही यश टीवी सीरीज एनिवर्सरी सरप्राइज में राज के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2019 में ही इन्होंने टीवी सीरियल डायन में दिवंग का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2019 में ही इन्होंने सोनी टीवी के सीरियल मेरे डैड की दुल्हन में के चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया। और अब साल 2021 से ये स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में डॉक्टर पुलकित देशपांडे के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यश पंडित का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।